हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे स्नैप ब्लॉग वीडियो में। भैया आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग भी अच्छे होगा और आप लोगों की दुआ से कृपा से हम भी ठीक हैं। तो आज हम फिर से जो है फरुखाबाद क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में मतलब फिर से आए एक ब्लॉग फुल। मतलब हमने कहा था आप लोगों से कि एक जब पूरी तरीके से लग जाएगी नुमाइश तो एक ब्लॉग जो है फिर से जो है फुल बनाकर डालेंगे। तो इस बार जो है दिन का सीन नहीं दिखा रहे, इस बार जो शाम का सीन दिखा रहे हैं यानी नाइट व्यू। जैसा कि आप सभी लोग पीछे देख सकते हैं, अभी देखिए आधे घंटे बाद पूरी तरीके से जो है शाम हो जाएगी। ये लाइटिंग आइटिंग जो है वो एकदम साफ चमकने लगेगी। अभी लाइटिंग जो हल्की हल्की है, तो आज आप लोगों को नाइट व्यू दिखाने वाले हैं। तो आज आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग वीडियो में। तो भैया आज जो फरुखाबाद महोत्सव फिर से एक बार आए हैं, तो आज आप लोगों को दिखाएंगे अंदर क्या क्या चीज़ें लगी, कौन कौन से झूले लगे, कौन कौन सी दुकानें लगी हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं सीधा अंदर की ओर। अभी देखिए यहाँ पर जो है बाइक पार्किंग की भी सुविधा भी उपलब्ध है, ये देखिए। और अंदर जो है 20 रुपए की टिकट लग रही है, वो भी लेना पड़ेगा हमको। चलिए पहले टिकट ले लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। इतनी खुशी मुझे। इस पर एक टिकट है, पहले टिकट लेके फिर एंट्री होगी। भैया जो है टिकट लेकर अंदर की ओर एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए एंटर करते ही आप सबसे पहले जो है गणेश जी के दर्शन कीजिए आप लोग। ये देखिए और उसके बाद अंदर घूमने के लिए जाइए। ये देखिए इधर जो है सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर अपना फोटो खींचिए। सबसे पहले श्री गणेश आए बोलिए, उसके बाद जो है अंदर मेला का मजा लीजिए। और इस साइड देखिए दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ पर लगा हुआ बनारस का मीठा पान, चोटी वाला रेस्टोरेंट भी है। डेढ़ सौ ढाई सौ रुपया। तो यहाँ पर सेटें लगी हुई थी, आप लोगों ने देखा 150 और 250। पेस्ट फ्रूट जूस, ज्वेलरी और यहाँ पर देखिए चप्पल भी लगी हुई लेडीज। फोटो स्टूडियो मेला प्रदर्शन, ये तो आप लोगों को दिखाया ही था हमने पहले भी। और इधर देखिए पैंट चल रहे हैं मेले की ओर, अंदर की ओर वही है जैसा कि दुबई लगा हुआ था, सेम वैसा ही है जैसा दुबई लगा हुआ था। और ये रहा ब्रेक डांस और अंदर चलना थोड़ा सा पाइस वगैरह, फिर एक चप्पल की दुकान। ये ट्रेन, ड्रैगन ट्रेन, देखिए बच्चों के लिए कार भी है, उबला रिंग स्टाइल। देखिए बच्चों के लिए कार भी है, आराम से बच्चे कार चला सकते हैं। आइसक्रीम वगैरह, पहुंच गए हैं सीधा अंदर सेल्फ। भैया आप पीछे देख सकते हैं, ये देखिए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल तो नहीं है, इसके अंदर छोटी छोटी मतलब जो है फोर व्हीलर थ्री व्हीलर ऐसे ऐसे बच्चे नहीं चलाते, जो दुबई में लगा हुआ था हमने दिखाया था जो है बच्चे पानी में इसमें गाड़ी चलाते हैं। तो वो अभी देखिए पानी भी नहीं भरा, अभी चालू भी नहीं हुआ है। मतलब हमें लगता है अभी और भी एक से दो दिन और लगेंगे चालू होने में से, और कुछ ज़्यादा नहीं। वही है देखिए एक आसमानी झूला लगा हुआ है और एक नाव वाला झूला लगा हुआ है और जो ड्रैगन ट्रेन है और एक मिक्की माउस लगा हुआ है। एक इस साइड पे मिक्की माउस लगा हुआ और एक इस साइड पे भी लगा हुआ है। और
इधर आप पीछे हमारे देख ही रहे हैं, देखिए बड़ा आसमानी झूला एक ये लगा हुआ है और उसके पास में जो है नाव वाला झूला लगा हुआ है और उसके पीछे नीचे देख रहे हैं आप लोग बच्चों वाला कार वाला झूला है और जंपिंग पॉइंट है, बच्चों जो कूदते हैं ना वो लगा हुआ, वो अभी आप लोगों को दिखाया था हमने और अभी आगे और एक्सप्लोर कराते हैं। ये देखिए एक ड्रैगन वाला, ड्रैगन ट्रेन वाला ये है, पर ये अभी चालू नहीं है क्योंकि इतनी भीड़ हो ही नहीं रही है। और ये एक आसमानी है, ये बस चालू है और ये बच्चों वाला कार वाला ये चालू है क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, अभी शुरुआती है, मेला अभी चालू ही हुआ है। और यहाँ पर भी आप देखो, और यहाँ पर ये देखिए वो लगा हुआ सेल्फी पॉइंट राउंड वाला जो है, अपना मतलब वीडियो बनवा सकते हैं राउंड वाला। और इसमें देखिए साउंड भी लगे हुए हैं, साउंड भी बज रहे हैं और रेस भी बन रही है। और यहाँ पर भी आप देखिए, देखिए छोटी सी जो है बच्चों के लिए। और ये भाई साहब आसमानी झूला भी आपको दिखाया था और ये देखिए मिक्की माउस लगा हुआ है और ये ड्रैगन ट्रेन जो कि अभी चल नहीं रही है क्योंकि भीड़ नहीं है इतनी। और मिक्की माउस में भी एक ही बच्चा अभी जो है जंपिंग कर रहा है भाई। कार देखिए और ड्रैगन ट्रेन, उधर वाली ड्रैगन ट्रेन चालू है, पीछे आप देख रहे हैं ये देखिए। पर आप देख सकते हैं श्री राधे श्याम घर संसार महासेल लगा हुआ है भाई साहब। भाई एक भी छल्ला मतलब जो नहीं फिला सके, एक भी रिंग नहीं फंसी किसी भी आइटम में, कितना भी प्रयास करो फंसते ही नहीं है जल्दी यार। अभी आप लोगों को दिखाया था और ये देखिए यहाँ पर जो राधे श्री राधे राधे घर संसार महासेल लगा हुआ, पीछे भी आपको दिखाया था। तो यहाँ पर जो है आप घर गृहस्थी की यूज़ के सामान मतलब मिल रहे हैं, जैसे कि बर्तन वगैरह हो चुका हो गया है। और यहाँ पर अभी आपको दिखाया था, ये देखिए मतलब घर गृहस्थी की यूज़ के सारे सामान हैं, बर्तन वगैरह आएँ और प्लास्टिक के सामान हैं और कप वगैरह आएँ, चादर वगैरह और पता नहीं पैरदान पोछने वाला काफ़ी आइटम है मतलब घर गृहस्थी यूज़ के। इधर साइड पर भी आपको दिखाया और बस कुछ ये देखिए यहाँ पर कान का आइटम है, झुमके वगैरह हैं सारे, अच्छे बेड शीट वगैरह हैं सब ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए साथ खाने का, यहाँ पर भैया अचार है, देखो टेस्ट के आइटम है। ये पति मेडिसिने हैं, मेडिसिन नहीं पड़ेगा ठीक है, जैसे लेटिंग ना हो रही है वो ये वाली खाए काली वाली, काली वाली, और जिसे ज्यादा हो रही है वो ये रंग रंगी वाली खाए
ज्यादा ऑरेंज ये खिलाओ यार। नहीं ये वाली ली है यार, पिछली वाली थी बहुत फायदा करी थी, इसलिए एक बार फिर से ये वाली ले ली, काली वाली। यहाँ पे भाई लेडीज चप्पलें भी हैं, वही है जो दुबई में सब लगा हुआ था, सेम वही है। कपड़े वगैरह भी हैं, ये देखिए ये साइड भी आप देख सकते हैं, ये देखिए सनग्लासेस भी लगे हुए हैं। अगर अभी आपको दुकान दिखाई थी, यहाँ पर क्या है, चंदन फेस पाउडर है। यहाँ पर जो है लेडीज पर्स भी हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए है लेडीज पर्स भी हैं। और इधर साइड पे तो कपड़े आए हैं, आपको दिखाया था अभी। पर्स भी हैं, यहाँ पे बच्चों के लिए देखिए कितने आइटम लगे हुए हैं, टेडी बियर वगैरह भी लगे हुए हैं, बंदर हैं, शेर हैं, हाथी भी है, सारे आइटम हैं बच्चों के लिए खेलने, ये आप देख सकते हैं। देखिए अभी जो हमने आप लोगों को दिखाई, ये देखिए लेडीज़ ज्वेलरी यहाँ पर मिलती है, हार था, कंगन था, और कान के लिए भी है, और लेडीज़ ज्वेलरी है, सारा आइटम लेडीज़ का यहाँ पर। तो जो कुछ था मेले में सब आपको दिखाई दिया है। और हमने देखिए खाने पीने का बस एक रेस्टोरेंट है, जैसा आपके सामने चोटी वाला रेस्टोरेंट, सामने चोटी वाला रेस्टोरेंट है, आप पी भी सकते हो। बॉम्बे भेलपुरी भी है भाई साहब खाने के लिए है, चोटी वाला रेस्टोरेंट। यहाँ पर देखिए जूस भी मिला भाई, आइसक्रीम भी है, सुपर सॉफ्टी भी है। फिर से एक बार जो है मेले की तरफ चलते हुए, पूरा जो है नाइट व्यू है, नाइट व्यू। यहाँ पर देखिए शेयर पे बैठ के अपना सेल्फी भी खिंचवा सकते हैं भाई साहब, मोबाइल से फोटो खींचना सख्त मना है भैया है, मोबाइल से फोटो खींच लोगे तो फिर भैया उनका जो है देखो भैया बच्चन के लिए बहुत बढ़िया कार की सुविधा, आराम से बैठा लो और खूब चलाओ बच्चन को, ड्राइविंग सिखाओ। देखिए दूसरी गाड़ी भी आ रही भाई साहब, अपने बच्चों को लाइए और अभी से ही ड्राइवर ड्राइविंग सिखाइए। देखिए भैया यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी खिंचाइए, भैया सेल्फी खिंचा सको तो बैठे, मतलब खड़े हुए के देखिए दोनों पर भी आपके दिखाई देंगे है, सेल्फी पॉइंट है सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर सेल्फी खिंचाते। भैया जो भी मेला था फरका वाला, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करा दिया अपने वीडियो के माध्यम से, और पूरा घूमा है, अब चल रहे हैं बाहर की ओर। ये देखिए लिखा हुआ है एक्सिट, लिखा हुआ है एक्सिट, चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का भी थोड़ा सीन दिखा देते हैं। भैया निकल आए हैं बाहर, ये देखिए बाहर से कुछ इस प्रकार का लुक दिखाई दे रहा है।
देखा। चलिए बैक कैमरे से दिखाते हैं, पहले आप ये देखिए। ये देखिए बाहर से आपको दिखा रहे हैं, ये है मेन गेट अंदर जाने के लिए। ये देखिए अंदर जाने के लिए वो वाला गेट है और जो बाहर आने के लिए ये वाला गेट है। वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा, लिखा हुआ है टिकट घर। अभी वहाँ चल के दिखाते हैं आपको। 20 रुपये की टिकट है और 20 रुपये गाड़ी पार्क करने की टिकट है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं नाइट व्यू कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये देखिए भाई फोन जो है गर्म हो गया, इसलिए जो थोड़ा सा वीडियो बेकार बन रहा है। ये देखिए यहाँ से जो है अंदर आने का रास्ता, ये मेन रोड है, वहाँ से ही अंदर आइए सीधे और यहाँ पर आप अपनी बाइक को पार्क कर सकते हैं। 20 रुपया लगता है गाड़ी बाइक, 20 रुपया लगता है बाइक को पार्क कराने के लिए। आप अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं, 20 रुपये का टिकट है और अंदर जाने के लिए भी आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ टिकट घर। ये अपनी वीडियो कब यहीं पर कर रहे हैं विराम। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, राधे राधे, बाय बाय। मजा आया।